हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। देश में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, उसकी दुर्दशा इस देश की आम तस्वीर हो गई है। कभी भूख से मरती गाय तो कभी प्लास्टिक और कचरा खाती गाय हमें जरूर दिख जाती है, और तब याद आते हैं गौवंश को बचाने का दावा करने वाले कथित गौरक्षक और वादे करने वाली सरकार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट, फिर करेंगे इस पर चर्चा। जिस देश में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और उसकी दुर्दशा इस देश की आम तस्वीर हो गई है। कभी भूख से मरती गाय तो कभी प्लास्टिक और कचरा खाती गाय हमें जरूर दिख जाती है, और तब याद आते हैं गोवंश को बचाने का दावा करने वाले कथित गोरक्षक और वादा करने वाली सरकार। कड़वा है लेकिन सच है कि आज सड़कों पर आवारा घूमती और भूखी गाय कचरे से गंदगी और पॉलिथीन खाने को मजबूर है। सुख समृद्धि की प्रतीक रही भारतीय गाय आज कूड़े के ढेर में कचरा और प्लास्टिक की थैलियां खाती दिख जाती है। भारत भूमि में गाय की महिमा आदिकाल से रही है। हर हिंदू घर में सबसे पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की निकाली जाती थी। घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाकर ही परिवार स्वयं कुछ खाता था। हमारे देश में गाय को पूजा जाता है, लेकिन यह विडंबना ही है कि आज गाय की घोर उपेक्षा की जा रही है। शहर में जगह जगह लगे प्लास्टिक के ढेर पर मुंह मारती गायों के दृश्य आम है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय की संख्या का घटना चिंताजनक है। ऐसी ही तस्वीर फरीदाबाद से सामने आई है, जहां गाय पॉलिथीन और कचरा खाते हुए नजर आई है। माँ कितनी लाचार है, एक माँ जो कि हमें कोख में पालती है, बड़ा करती है, हमें उस काबिल बनाती है कि हम घर को चला सके, माँ की सेवा कर सके, पर हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से माँ लाचार है, वृद्धा आश्रम में मजबूर, उन माँ के आंसुओं को हमने आपको दिखाया। और एक माँ गौ माँ जो कि हम उनकी पूजा करते हैं, पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए आप किस तरीके से पॉलिथीन खाने को मजबूर है, देखिए आप किस तरीके से माँ पॉलिथीन को चबा रही है। तो मतलब जो माँ है, कितना अत्याचार माओं पर किया जा रहा है आज के ज़माने में, देख सकते हैं गौ माएँ हैं यहाँ पर, जो कूड़ा डंपिंग स्टेशन है पर किस तरीके से यहाँ पर पॉलिथीन खाती हुई नज़र माएँ आ रही हैं। एक तरफ हमारी माँ जो कि हमें कोख में बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, वो भी अत्याचार झल रही है, और ये माँ जो गौ माता हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनके दूध को हम पीते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिथीन खाने को मजबूर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से माओं पर अत्याचार जारी है। पॉलिथीन पशुओं के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। घरों में सब्जियों, फलों के निकले छिलके और अन्य खाद्य सामग्री पॉलिथीन में बांधकर कूड़े के ढेर पर फेंकी जा रही है। जहाँ बेसहारा गोवंश भोजन की तलाश में पहुँचते हैं और उसको खाकर बीमार हो रहे हैं। हर महीने लगभग 40 से 45 गोवंश पॉलिथीन खाकर बीमार हो रहे हैं और उनकी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। कैसी विडंबना है कि देवताओं को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखने वाली गोमाता आज चारे के अभाव में कूड़े के ढेर से कचरा और प्लास्टिक की थैलियों से पेट भरने को मजबूर है। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि गोवंश को बचाने में अपना योगदान दे और प्लास्टिक और कचरा इधर उधर ना फेंके, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि गोवंश की तस्वीर ही एक दिन किताबों में देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता राजा पटेल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। राजा, बेहद अफसोसजनक की बात है कि इस देश में गौवंश को, गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन ना सिर्फ फरीदाबाद में बल्कि पूरे देश में गाय की दुर्दशा की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती है, और आम जनजीवन में भी हम देखते हैं कि किस तरह कूड़े के ढेर से गाय पॉलिथीन और प्लास्टिक का सेवन करती है और कई गायों की जान तक चली जाती है। तो उनकी इस दुर्दशा के पीछे कारण कई सारे हैं जो कि बेहद अफसोसजनक हैं। राजा
जी बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके से जिस तरीके से हमने रियलिटी चेक पूरे फरीदाबाद में किया, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अभी जो अतुल त्रिवेदी हैं फरीदाबाद डिप्टी कमिश्नर, इससे पहले समीर पाल सरो यहां पर हुआ करते थे, जिन्होंने पूरे फरीदाबाद को कैटल फ्री घोषित कर दिया। बहुत वाहवाही लूटी थी उन्होंने एज ए डीसी होते हुए, तमाम अखबारों में तमाम मीडिया में उनकी वाहवाही कही गई थी कि फरीदाबाद अब कैटल फ्री हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हमारे रियलिटी चेक में किस तरीके से हजारों की संख्या में जो गाय हैं, चाहे बाईपास की बात करें या फिर बल्लमगढ़ विधानसभा की बात करें, फरीदाबाद विधानसभा की तमाम ऐसी लोकेशंस में हम गए, अलग अलग चारों तरफ कहीं ना कहीं गायवंश हमें मिला, गंदगी का ढेर मिले, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पॉलिथीन खाते हुए गाय हमारे कैमरे में कैदी, तो वाकई में काफी चिंताजनक है। जिस तरीके से देवी देवताओं का रूप हम गाय वंश को माना था, तमाम सामाजिक संस्थाएं, तमाम सरकारें गाय के नाम पर वोट बैंक इकट्ठा करती है, पर गाय की रख रखाव का और गाय के पालन पोषण का कोई जिम्मेदारी फिलहाल अभी उठाता हुआ नहीं दिख रहा। जी बिल्कुल राजा, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है और सवाल करना भी चाहिए उन तथाकथित गौरक्षकों से, सरकार से और आम लोगों से भी, क्योंकि सरकार के पास पूरा एक फंड होता है जो गौशालाओं को दिया जाता है गाय की सेवा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, और आम लोगों से भी सवाल ये है कि अगर आप गाय को पूजने में विश्वास रखते हैं तो आप पॉलिथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं और उनको ऐसे खुले में कूड़े में फेंकते हैं जिसका सेवन करके गाय की जान तक चली जाती है। जो बिल्कुल वाकई में बहुत गंभीर विषय है, जिस तरीके से तमाम चेयरमैन की बात करें, फिर तमाम मेंबर सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, गाय की रक्षा की बात की जाती है, तमाम जैसा आपने बताया कि फंड रिलीज होते हैं, पर वो आखिरकार फंड जाता कहाँ है। जिस तरीके से लगातार तमाम गौशालाएं फरीदाबाद के अलग अलग विधानसभाओं में, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं कि कितनी खामियां गौशाला में, तो आखिरकार चिंता का विषय है और जांच का विषय है कि जो फंड सरकार देती है वो फंड आखिरकार जाता कहाँ है। दूसरी बात, जिस तरीके से लोगों की बात करें तो लोग जिस तरीके से कूड़े को रोड पर फेंक देते हैं और जिस तरीके से हमारी गाय जो उस कूड़े को कहीं ना कहीं जो पोलिथीन को खाती हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनकी कई ऐसी खबरें भी आई हैं कि पोलिथीन अटकने से मौत भी हो गई है, तो लोगों को भी सोचना चाहिए। जिस तरीके से हम गाय की पूजा करते हैं, उनके गोबर से पूजा करते हैं, देवी देवता का रूप माना गया है, तो उस तरीके से लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि गाय के नाम पर देश में राजनीति होती हमने देखी है, लेकिन गाय की दुर्दशा को सुधारने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, और हमारे साथ गेस्ट भी इस पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। योगेश कौशिक जी जो कि हिंदू सेना से हैं, योगेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग की खबरें आती हैं, गाय के नाम पर किसी की जान ले ली जाती है, गाय के नाम पर राजनीति होती दिखती है, लेकिन जब गाय की रक्षा की बात आती है, गाय की दुर्दशा के को सुधारने की बात आती है, तब तथाकथित गौरक्षक चले कहां जाते हैं आखिर? ये एक ऐसा इशू है जिस पे क्रम से मैं बिंदु और आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। जी, सबसे पहले जो सरकार है, सरकार ने गौ रक्षा के लिए गौ सेवा आयोग का गठन किया था, जिसके माननीय भानी राम जी मंगला जो है वो चेयरमैन हैं, उनके साथ पूरी टीम है जी। सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न कर रही है, लेकिन जब तक आम जन का सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी योजना सिरे नहीं चढ़ सकती। सरकार गौशालाओं के लिए बड़ा फंड दे रही है ताकि गौओं को ठीक से मेंटेन किया जा सके, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि जिन संस्थाओं को धन दिया जाता है सहायता के तौर पर, उस धन का ऑडिट भी कराया जाए। जी, जी। जब तक उसकी जांच नहीं होगी कि वो पैसा जिस उद्देश्य के लिए दिया गया उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही, तो इसके लिए उसका ऑडिट कराया जाना बहुत आवश्यक है। और आपके माध्यम से मैं सरकार को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि उसका ऑडिट शुरू कराया जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बनी रही, हमारे साथ गौरक्षक ऋतुराज जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। गौरक्षक से लेकर देश का आम जन गाय को माता कहता है, गौवंश को माता का दर्जा दिया गया है, फिर माता की इतनी दुर्दशा क्यों? क्यों सड़कों पर माता पॉलिथिन खा खा कर मौत के घाट उतर रही हैं? क्यों सड़कों पर माता की, गाय माता की इतनी दुर्दशा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें आमजन की भी कमी है और सरकारों की भी कमी है। आमजन इस्तेमाल करने के बाद में खुला उन्हें सड़कों पर छोड़ देता है, और सरकार जहां बात कर रही है गो संरक्षण गो संवर्धन की,
वो उन्होंने गो सेवा आयोग तो बना दिया है, लेकिन इस पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सिर्फ उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी राई के अंदर आपने ही देखा कि गोमांस पकड़ा गया था, इतना वो हो अल्लाह हुआ, ठीक है, विदाउट रिपोर्ट आने से पहले ही उन लोगों को छोड़ दिया गया, गाड़ी छोड़ दी गई, मांस को दबा दिया गया। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि उस गाड़ी में क्या बरामद हुआ था। तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक सवाल मेरा आपसे है ऋतुराज जी, गाय की रक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षक होने के नाते मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं कि सड़कों पर इतनी तादाद में गायों का घूमना, आपको नहीं लगता कि इनकी जगह गौशाला में होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि इनकी सेवा होनी चाहिए? आपको नहीं लगता इनको प्रॉपर खाना मिला जाना चाहिए ताकि ये पॉलिथिन और कूड़े को खाकर बीमार ना पड़े? कई गायों की जान तक चली जाती है, तो ये रक्षा आखिर आप लोग जितने भी गौरक्षक हैं देश में जो गाय की सेवा और उनकी रक्षा की बात करते हैं वो कर कैसे रहे हैं? क्योंकि हर शहर में गाय के हालात बद से बदतर ही हैं जो सड़कों पर देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि गो माता सड़कों पे घूम रही है, कहते हैं कि पॉलिथीन खा रही है, जहां उसके संवर्धन की बात है, क्योंकि अगर हरियाणा में कानून बना है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो श्रेय है वो गो रक्षकों को भी जाता है, गो को मां मानने वाले लोगों के पास भी जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए पूर्ण संपूर्ण समाज को जागरूक होना पड़ेगा। किस तरह की क्रेडिट की बात कर रहे हैं सर आप? किस तरह का क्रेडिट है ये जिस आयोग से या जिस प्लानिंग से या जिस योजना से गायों का संरक्षण हो ही ना रहा हो, उनकी सेवा हो ही ना रही हो, वो सिर्फ कानून बनाने भर से क्या गाय सुरक्षित हो गई? क्या गाय की रक्षा हो रही है? गौरक्षक और सरकार कर क्या रही है? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। मैं आपसे वही चीज कह रहा हूं कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमने सरकार बनाई, सरकार ने कानून बनाया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आज मैंने तभी आपसे कहा कि उस चीज का कहीं ना कहीं राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है सर। तो इसे लेकर गौरक्षक आवाज क्यों नहीं उठाते फिर? गौरक्षक आज पहले भी आवाज उठा रहे थे, आज भी आवाज उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आवाज नहीं उठा रहे। उन्हें सड़कों पे भी लड़ना पड़ रहा है और जिन लोगों को वो सत्ता में लेके आए आज उनके साथ भी लड़ना पड़ रहा है। उनकी आज जो लड़ाई है वो दोहरी लड़ाई है, पर कहीं ना कहीं इसके लिए समाज को भी ज्यादा तरीके से जो मुद्दा उठाया गया है। अब तक जो खबरें आती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूं कि गौ सेवा के लिए गौरक्षक आवाज उठाते हैं कि गायों की तस्करी हो रही है। ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं नहीं कहूंगी कि इस पर आवाज उठाना गलत बात है, लेकिन कभी गौरक्षकों को इससे परे हटकर गायों की दुर्दशा पर आवाज उठाते हुए बहुत कम देखा गया है। मॉब लिंचिंग और किसी को गाय की तस्करी करते हुए पकड़ना, इस तरह की खबरें ज्यादा आई हैं इस देश में, लेकिन गौरक्षकों द्वारा गौ सेवा करना या गायों की रक्षा के लिए कुछ करना, इस तरह की खबरें कम आती हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, कहीं ना कहीं जो दोनों चीजें की गई हैं आज भी, कि गो रक्षा की बात की गई है या गो लड़ाई लड़ी गई है, जो ठीक है वो हर एक तरीके से लड़ी गई है। आज मॉब लिंचिंग, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भानीराम मंगला जी जुड़े हैं जो कि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भानीराम मंगला जी। सीधा सवाल मेरा आपसे ये कि सर गौ सेवा आयोग आखिर बना किस लिए है? गायों की दुर्दशा क्या सड़कों पर आप देख पा रहे हैं, और अगर देख पा रहे हैं तो गौ सेवा आयोग कर क्या रहा है? जी ऐसा है कि गौ सेवा आयोग ने, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीन सालों में 270 नई गौशालाएं नंदीशालाएं हरियाणा में खोली, और जो बेसहारा गोवंश हमारा लगभग 1,30,000 था उसमें से 1,20,000 गोवंश हमने इन गौशालाओं नंदीशालाओं में किया है। अब जो आप बात कर रहे हैं जो घूम रहा है, जैसे अभी हमारे पास फरीदाबाद की शिकायत आई, वहां बाईपास रोड पर जितना मानीराम जी आपकी आवाज दोबारा अपनी बात रिपीट करिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई थी। सर एक सवाल इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, आप कह रहे हैं 1,30,000 गायें जो है सड़कों पर घूम रही थी, जिनको 1,20,000 गायों को आपने गौ शाला में पहुंचा दिया है। आपको पता होगा हर शहर में हजारों गायें आम सड़कों पर नजर आ जाती हैं कूड़े के ढेर में कूड़ा खाती हुई, और उनकी उनकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह है प्लास्टिक खाकर वो बीमार पड़ती हैं।
तो आप इतना बड़ा जो ये दावा कर रहे हैं, सड़कों पर सच्चाई कुछ और नजर आ रही है। नहीं, मैं वो मान रहा हूँ बात, वही तो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि अभी मेरे पास शिकायत आई थी फरदाबाद की। फरदाबाद बाईपास रोड पे मुझे लग रहा है सैकड़ों गाय ऐसी है जो घूम रही है और जो पॉलिथीन खा रही है, लेकिन वो सारी गाय दुधारू है। लोग सुबह दूध कार के उनको छोड़ते हैं और शाम को पकड़ लेते हैं और फिर दूध कार के छोड़ देते हैं। उनके लिए भी हमने योजना बनाई है, उनको पकड़ेंगे और उनसे 5100 रुपए पेनल्टी लेंगे। आप देखेंगे फरदाबाद में कोई भी नंदी जो बेसहारा है वो सड़क पे नहीं है, उनको सबको हमने उठवा लिया है। जो हमने दावा किया है वो ठीक है, लेकिन आपका भी हमारे दावा पास ठीक है। तस्वीर कुछ और कह रही है सर, हमारे पास तस्वीर कुछ और कह रही है। आप कह रहे हैं कि जो बेसहारा गायें अब ये बेसहारा हैं कि किसी और की हैं, इस पर आपको तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि सड़कों पर अगर गायों का झुंड होता है तो इससे आम लोगों को भी परेशानियां होती हैं, और किस तरीके से आम सड़कों पर घूमने वाले पशु लोगों के लिए जानलेवा बनते हैं। आपने पंचकुला से वो खबर देखी होगी जब एक सांड दौड़ता हुआ आता है और एक 6 महीने की बच्ची की मौत हो जाती है, तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है आम लोगों के लिए भी और गाय के लिए भी, जिन्हें हमारे देश में लोग माता कहते हैं। आम लोगों द्वारा प्लास्टिक का इतना उपयोग किया जा रहा है, पॉलिथिन का, क्या उसको लेकर कोई अभियान चलाया गया, क्या उसको लेकर सरकार कोई एक्शन ले रही है, क्योंकि अब बदस्तूर इस्तेमाल जारी है प्लास्टिक पॉलिथिन का और गाय उन पॉलिथिन का सेवन भी कर रही है कूड़े के ढेर में, और हजारों गाय हर शहर में सड़कों पर बदहाल घूम रही है। इस सच को आपको स्वीकार करना चाहिए और इस पर आपको काम भी करना चाहिए। ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक है, क्योंकि जो आपको हजारों गाय अभी आपको केवल फरदाबाद में दिखाई दे रही है, लेकिन हमने गुड़गांव में आप देखेंगे तो हजारों गाय में नहीं है, गुड़गांव है और जो है अभी बहुत कम से कम गाय आपको गुड़गांव की सड़कों पर दिखाई देगी। आप अपने चाहे कभी भी घूम कर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, लेकिन गुड़गांव की गाय हमने उठाई है जो सर, देखिए देखिए सड़कों पर। गुरुग्राम या किसी एक शहर में आपने कोई काम किया हो उस बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, मैंने आपकी बात को समझ लिया, लेकिन जो तस्वीर फरीदाबाद से हमारे पास आई है वहां पर आपके द्वारा काम नहीं किया गया। आप खुद कह रहे हैं कि वहां पर ये बात सच है कि इतनी तादाद में गाय हैं, सैकड़ों गाय बदहाली का शिकार हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है वो भी आपको जानना है और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको जानना है, क्योंकि गाय को लेकर सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनकी रक्षा की अगर बात करते हैं तो रक्षा वाकई करके भी दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हमारे साथ हिंदू सेना के सदस्य योगेश कौशिक भी बने हुए हैं। योगेश जी, गौ सेवा आयोग तो सरकार ने बना दी, लेकिन इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बात आप भी समझेंगे कि जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आ रहा। हर शहर में गायों का जो हाल है वो बेहद बुरा है। देखिए, जैसा कि भानी राम जी ने बताया कि सब पालतू गाय हैं, डेयरी वाले लोग इन्हें छोड़ देते हैं, तो इस बारे में सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जो भी गाय सड़क पे घूमती पकड़ी जाए उसे तुरंत गौशाला में भेजा जाए, और अगर कोई उसका मालिक आता है तो उस पर भारी दंड लगाया जाए ताकि वो गायों को खुला छोड़ना बंद कर दे। जहाँ तक पॉलीथीन का विषय है, पॉलीथीन सरकार के तौर पे तो कई साल पहले बंद किया जा बैन चुका कर दी है। गई है एनजीटी लेकिन द्वारा बैन कर दी गई है, लेकिन बैन खुलेआम इस्तेमाल हो रही है। बैन होने का मतलब ये होना चाहिए किसी भी चीज को अगर बंद करना है तो उसके स्रोत्र पर बंद किया जाए। जिस दिन सरकार पॉलीथीन के लिफाफे बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद कर देगी उस दिन मार्केट में पॉलीथीन आना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जब पॉलीथीन आएगा नहीं तो उसका मिसयूज कैसे होगा, और जो पॉलीथीन मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, मैं गुड़गांव और फरीदाबाद का जो इशू है इस बारे में आपको ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा कि गुड़गांव फरीदाबाद नगर निगम ने कूड़ा घर घर इकट्ठा करके उसको अलग अलग करने का और बंधवाड़ी प्लांट तक पहुंचाने का, इको ग्रीन एक चाइना की कंपनी है जिसे ठेका भी दे रखा है, लेकिन कंपनी जो है वो क्या करती है, जो कूड़ा घरों से उठाती है उसे अलग नहीं करती। उसे चाहिए कि उसमें खाद बनने वाला पोर्शन अलग किया जाए, प्लास्टिक पॉलिथीन को अलग किया जाए, जो धातु का पोर्शन है उसको अलग किया जाए ताकि रिसाइकल हो सके, और केवल बचा मतलब कुल मिलाकर योगेश जी ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि हर चीज को लेकर सरकारी योजनाएं तो बन जाती योजनाएं लेकिन उन योजनाओं का A to Z जितनी योजनाएं हैं
उनका क्रियान्वयन जब नहीं, होता है तो कितनी चूक होती है और उन चूकों का जो परिणाम होता है वो आम लोग और कहीं ना कहीं जो पशु हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं उसका परिणाम भुगत रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा गायों की दुर्दशा, फरीदाबाद की तस्वीर अकेले की नहीं है, अगर हम पूरे प्रदेश में तमाम अलग अलग शहरों की बात करें तो इसी तरह सैकड़ों गायें दुर्दशा का शिकार हो रही हैं। गाय को लेकर देश में राजनीति होती है, तमाम तथाकथित गौरक्षक उनकी रक्षा की बात करते हैं, सरकार योजनाएं बनाती है, गौशालाओं को फंड दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये फंड जा कहाँ रहा है, आखिर इन योजनाओं का हो क्या रहा है, क्योंकि धरातल स्तर पर सच्चाई ये है कि सैकड़ों संख्या में गौ माता गौ वंश की दुर्दशा देखने को मिल रही है।